दो किलोमीटर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में एंटर कर जाएंगे। इतना ठंडा लग गया था ना अचानक से यमुना एक्सप्रेसवे में चढ़ते ही। दिस इज द फर्स्ट टोल गेट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। टोल वाइजर होने का फायदा तो है भाई, कितने कीड़े यहाँ मर जाते हैं हेलमेट में नहीं आते। Good morning lovely people, this is Abhishek and I welcome you back to my YouTube channel Rasta Dasta. So finally, after a long time, I'm going on a solo ride and this is going to be a long solo ride, not a short one. I'm going for 11 days trip. कहाँ जा रहा हूँ वो आपको पता चली गया होगा YouTube का thumbnail देख के। So I'm all ready, all packed up. Time अभी हो रहा है 3 AM in the morning. रात भर मैं सो नहीं पाया बिकॉज आई वॉज सुपर एक्साइटेड अबाउट गोइंग आउटसाइड, स्पेशली गोइंग ऑन अ सोलो राइड। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दिस टाइम आई एम कैरिंग माई पैनियर्स एंड माई टेल बैग। ज़्यादा लगेज नहीं है, जस्ट पैनियर्स एंड द टेल बैग। आई एम नॉट कैरिंग एनी टैंक बैग, थोड़ा दिक्कत होता है टैंक बैग चलाने में। एंड दैट्स माई जैकेट। सो जल्दी से नीचे चलते हैं, लगेज को बाइक में डालते हैं एंड निकलते हैं। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। सो आज का डेस्टिनेशन है गोरखपुर। सो अराउंड 13 घंटे का डिस्टेंस है। सी यू गाइस ऑन द बाइक। ऑलराइट गाइस, सो हमारी बाइक हो चुकी है रेडी। मेरे पैनियर्स लग गए हैं एंड इज माई टेल बैग। यहाँ पर मैं छोटा सा एक हैंडल बार बैग लिया है, इट्स क्वाइट हेल्पफुल टू कीप द चार्जर्स एंड स्टफ। ग्लव्स मैं थोड़ी देर बाहर जाके पहनूंगा, मुझे मैप्स भी लगाने हैं। तो निकलते हैं, बाइक को स्टार्ट भी हो चुकी है, हवा का प्रेशर भी एकदम परफेक्ट है 32 एंड 36। अभी ग्लव्स को यहाँ लगा देता हूँ, बाहर मैप लगाऊंगा जाके। बेसमेंट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता। चलो निकलते हैं, बाहर तक चलते हैं, फिर आपसे आगे बात करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो निकलते हैं। मैप लगा दिया है मैंने, दिखा रहा है 12 घंटे 9 मिनट। फाइनली सोलो राइड, लॉन्ग सोलो राइड। सो आज का टारगेट है गोरखपुर, जो कि है 785 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो अभी हम निकल रहे हैं, हम डायरेक्टली अभी यमुना एक्सप्रेसवे में जाएंगे। तो इससे पहले मैंने 2 बार दिल्ली टू गुवाहाटी या फिर दिल्ली टू सिलीगुड़ी किया हुआ है। आप लोगों ने उन वीडियो से बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए। इवन मैंने इतने दिन पहले अपलोड किया था, स्टिल यू गाइज आर कमेंटिंग। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कमेंट्स देख के कि मैं लिटरली बोलूँ मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं रह पाता। तो बेसिकली जब भी टाइम मिलता है तो हम निकल जाते हैं। आज बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है निकलने के लिए। आप लोगों को थंबनेल देख के ऐसे ही पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ अलीपुरद्वार, जो कि है वेस्ट बंगाल में। दैट्स माई बर्थ प्लेस, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो वहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैं जितनी बार भी वीडियोस अपलोड करता हूँ दिल्ली टू गुवाहाटी, आप लोग ये पूछते रहते हो कि दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट, यू कैन से दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, दिल्ली टू सिलीगुड़ी, दिल्ली टू गुवाहाटी, एनीथिंग। तो आप लोग हमेशा पूछते हो कि कितना कितना तेल का खर्चा है, आप कौन सी बाइक से जा सकते हो, ये नहीं जा सकते। तो मैं इस वाले ट्रिप में अपनी बाइक का पूरा एवरेज आपको बताऊंगा, कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, एवरीथिंग। तो अगर मैं शुरू करूँ तो मैंने कल रात को ही पेट्रोल फुल करा लिया था। जैसा कि आप देख रहे हो बाइक की रेंज अभी 320 किलोमीटर दिखा रही है। तो कल मेरा ऑलमोस्ट 1200 का पेट्रोल आया था। तो यू कैन से 1 full tank इज ऑलरेडी देयर। अब इसके बाद जब भी फुल टैंक, जब भी मैं तेल भराऊंगा, आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में देता रहूंगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना आपको लगता है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी जाने में। और लास्ट जो मैंने दिल्ली टू गुवाहाटी किया था या दिल्ली टू सिक्किम किया था, वो 2-3 साल पहले किया था। तो तब के और अब के में बहुत डिफरेंस आ गया है प्राइसेस में, बिकॉज अभी रेट्स बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। मध्यम मध्यम गाना मैंने लगा लिया है, गाना सुनेंगे, आराम से चलेंगे, ज़्यादा ओवर स्पीड करने का जरूरत नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत है, हम आराम आराम से जाएंगे। और मैंने अपने माइक के सेटअप में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि साउंड कैसा आ रहा है, पुराने वीडियो से ज़्यादा बेटर आ रहा है कि वैसा ही है, ज़रूर बताइएगा। आप रात में कहाँ चल रही है, सही है। मौसम भी इतना अच्छा हो गया अभी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, अभी एकदम परफेक्ट वेदर है राइड करने के लिए। मैंने मेस जैकेट पहना हुआ है, अंदर जस्ट एक टी शर्ट पहना हुआ है एंड आई एम फीलिंग सो अमेजिंग। ना गर्मी लग रही है ना कुछ। बाप रे बाप, स्पीड बम्स देखो कितने खतरनाक है। मुझे एक्चुअली अभी ठंडी लग रही है बेसिकली। एक और लेयर पहन लेना चाहिए था ऐसा लग रहा है अब तो।
तो कल रात को मैं अराउंड 8 बजे ही ट्राई किया सो जाने का, और सो भी गया था ऑलमोस्ट। तो अराउंड 2 घंटे सोया, फिर उठ गया, फिर और धीरे, फिर उसके बाद तो नींद आ रही है जा रही है, काइंड ऑफ दैट। थोड़ा अच्छे से नींद हुआ नहीं है, सुपर एक्साइटेड था, दैट इज़ द रीज़न, ऑब्वियसली दैट इज़ द रीज़न। इतने दिनों बाद मैं राइड पे निकला हूँ तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट का लेवल तो कुछ और ही होगा ना, राइट? तो अगर मैं आपको रूट का बता दूँ तो मैं नोएडा से निकला हूँ, फिर आगरा जाऊँगा वाया यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेके आगरा लखनऊ पहुँचेंगे, फिर लखनऊ से गोरखपुर, एक ही हाईवे है उसके बाद। तो बेसिकली बस हाईवे एंड हाईवे कवर करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे भी रात हो चुकी है, चलिए हम बात करते करते पहुँच भी गए, यमुना एक्सप्रेसवे में एंट्री करने वाले हैं अभी, हम लेफ्ट कट लेंगे और यमुना एक्सप्रेस में एंटर कर जाएंगे। तो आगरा इज़ 185 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे में बाइक्स के लिए भी टोल्स लगती है, एंड आई थिंक टिल आगरा इट्स अबाउट 200 रुपीज़, 200 या 205 कुछ थे, मुझे याद नहीं है, लास्ट टाइम तो इतना ही था, पता नहीं, अगर अभी बढ़ गए तो अलग बात है। फाइनली वी आर इन यमुना एक्सप्रेसवे। बीच में एक बार रुकेंगे कहीं पे पेट्रोल पंप या कहीं पे चाय पियेंगे, एक बहुत ठंड सी हो रही है। सो गाइज आई टुक ए क्विक ब्रेक इन दिस पेट्रोल पंप, माय गॉड मुझे इतना ठंडा लग गया था ना अचानक से यमुना एक्सप्रेस में चढ़ते ही, सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो आई थॉट कि थोड़ा ब्रेक ही ले लेते हैं। मैंने 2 चाय भी फटाफट मार दिया, टोल गेट पहुंच चुके हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टोल गेट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सा लेन, बाइक वाला लेन खुला है कि नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रहा है, सब लाइट्स शाइन कर रही है, शाइन। आगरा तक कितना भैया? हाँ तो गाइस पहला टोल कट चुका है, तो आगरा तक 205 रुपये है, अभी भी 205 रुपये है, 2 साल पहले भी 205 रुपये था, सो इट्स ऑल गुड। बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता तो यमुना एक्सप्रेस वे एंड लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आर द ओनली 2 एक्सप्रेस वे विच अलाउज बाइक्स, बाकी कोई भी एक्सप्रेस वे जनरली बाइक्स अलाउड नहीं होते। सामने वाले ट्रक का एक भी टेल लाइट नहीं है, समझ में नहीं आएगा अगर आप अच्छे से नहीं चलाओगे तो। देखो अभी दिख रहा है ये ट्रक। और गाइस देखते देखते दूसरा टोल गेट आ गया है, यहाँ पे भी पब्लिक कन्वीनियंस है, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। हमारी राइड ऑलमोस्ट अभी 120 किलोमीटर्स हमने कर लिया है, मेरा ट्रिप मीटर हमें 92 किलोमीटर्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यमुना एक्सप्रेसवे में पहुँचने के बाद अपना ट्रिप मीटर रिसेट किया था, मैं भूल गया था घर में ट्रिप मीटर रिसेट करने के लिए। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स। टाइम अभी हो रहा है 5:50, बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया रेनकोट पहनने के लिए और चाय पीने के लिए, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना अभी, अभी भी ठंड है एक्चुअली में। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी स्लिप उन्होंने दिया था उसको बस दिखाना है एक बार, बस दैट्स इट। वो रही 2-व्हीलर की, अब चलते हैं हम 2-व्हीलर के टोल गेट पे। ऑलराइट जैसा ही आपने देखा मैंने जैसे वहाँ पे स्लिप दिखा दिया एंड इट्स डन। मैं थोड़ा ग्लव सही से लगा लेता हूँ, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बस अभी 1-2 घंटे हैं, उसका धूप निकल जाएगी तो फिर ठंड नहीं लगेगी। और चलो चलते हैं, अभी हमें बहुत दूर जाना है। बाइक भाई बहुत मस्त परफॉर्म कर रही है, मैंने आने से पहले सर्विस भी करवा लिया था, बस इसका सीट थोड़ा सा हार्ड है तो मैंने क्या किया एयर सीट लगा लिया एंड इट्स परफेक्ट, उसके अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, लाइक आराम से आप दिन भर इसमें राइड कर सकते हो यार। थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगा है ऊपर जैसे दिख रहा है आपको, मैंने आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। इसी के साथ हो गया दिन और हम भी पहुँच गए अपने तीसरे और आखिरी टोल गेट ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे, फिर दिखाते हैं और आगे चलते हैं। खुद एक ब्रेक पॉइंट है वहाँ शायद रुकूंगा थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, भूख भी लग रही है यार अचानक से। हाँ कैमरा में तो नहीं दिखेगा लेकिन इतना बड़ा लग रहा है सन उधर निकल रहा है सामने से, वाइजर में भी कीड़े चिपक गए हैं सामने, यहाँ भी कीड़े चिपक गए हैं, सब साफ करने होंगे। यहाँ पे रुक जाते हैं, अभी तेल भरने का तो इतना ज़रूरत है नहीं, तो कुछ खा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, देन निकलते हैं। अभी फ्यूल रेंज 180 किलोमीटर का दिखा रहे हैं तो देखते हैं नेक्स्ट जो पेट्रोल पम्प मिलेगा वहाँ पर भरवा लेंगे। So more 610 kilometers left, 9 hours 42 minutes. Right, 2 किलोमीटर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में एंटर कर जाएंगे
तो आगे जाके एक कट आएगा, लेफ्ट साइड हमको जाना है एंड वी विल एंटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आई एम हैविंग सो मच फन इन दिस राइड मैन, मज़ा आ रहा है मुझे। सोलो चलाने का जो फ्रीडम है ना वो अलग ही है। गाना सुनो, आप लोगों से बातें करो, वीडियोस बनाओ और चलो। आई थिंक इफ आई कैन मेंटेन दिस स्पीड मैं लखनऊ शायद 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर लखनऊ से गोरखपुर जाने में जो 250-250 किलोमीटर रहता है वो कवर 4-5 घंटे पकड़ लो। सो ये आ गया कट, यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट एंड वी विल एंटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो धूप एकदम डायरेक्ट आँख में गिर रहा है, मैंने सनवाइजर डाउन कर लिया है वरना तो पॉसिबल ही नहीं होता चलाना, इतना ज़्यादा तेज है ना धूप। सुबह सुबह का टाइम है तब भी। अभी यहाँ भी 50-60 किलोमीटर पर टोल गेट आएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया है, वहाँ पे अपना टू व्हीलर वाला सेक्शन खुसते हैं। सो नेक्स्ट अभी एक फ्यूल स्टेशन में रुकेंगे, रेंज दिखा रहा है 130 किलोमीटर्स बाकी है। आई थिंक 50 या 60 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पर रुक के रिफ्यूल करवा लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सो गाइस स्टॉप फॉर ए क्विक फ्यूल ब्रेक, अभी भी फुल टैंक करवा लिया, ऑलमोस्ट 1200 का पेट्रोल आया है। दिस इज सेकेंड फुल टैंक दैट आई हैव डन आफ्टर 300 किलोमीटर्स। सो तो बाइक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का रेंज दे रही है, अभी था 100 किलोमीटर जाने लायक, तो 350-380 तक तो चली जाती है आराम से। अभी देखो फ्यूल रेंज 350 दिखा रहा है आफ्टर फुल टैंक, बिकॉज मैं बहुत पेल के चला रहा था बीच में। तो यही डर लगता है कि कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया। ये शायद सारे बाइक में जो ट्रैवल करते हैं उन लोगों के दिमाग में चलता होगा, इतने सारे पॉकेट्स रहते हैं, इतना सारा सामान रहता है पॉकेट में, कभी कभी डर लगता है कुछ छोड़ तो नहीं दिया है बाई चांस। ऑलराइट गाइस, सो आई हैव डन ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स, और भी 434 किलोमीटर्स बाकी है। टाइम दिखा रहा है और भी 7.5 घंटे लगेंगे, तो एक घंटा और एक्स्ट्रा ऐड कर लो क्योंकि दो ब्रेक्स तो लेना है मिनिमम। अभी तब से रास्ता सीधा ही चले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन हाईवे का भी मज़ा अलग होता है, पहाड़ों का मज़ा अलग है। एक चीज़ तो है, ये टॉल वाइजर होने का फ़ायदा तो है भाई, कितने कीड़े यहाँ मर जाते हैं हेलमेट में नहीं आते, हेलमेट के वाइजर में नहीं आते, टॉल विंडशील्ड का फ़ायदा। तो मैंने एक और बार पेट्रोल भरवा लिया, अभी हाफ टैंक था, मैंने फुल टैंक ही करवा लिया। 100 किलोमीटर चला लिया था, 100-150 किलोमीटर जैसा, उसके बाद मैंने सोचा कि करवा ही लेते हैं, अब लखनऊ में रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज लखनऊ में बहुत ट्रैफिक होते हैं, रिफिलिंग के लिए रुकना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा मैं सुबह कह रहा था आप लोगों से कि मेरे दिल्ली टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू दिल्ली, दिल्ली टू सिलीगुड़ी वाले वीडियोस में बहुत लाइक्स आए हैं, बहुत कमेंट्स आए थे, लोग इतना सवाल पूछते हैं मुझसे कि कितना टाइम लग रहा है, कितना पेट्रोल खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है एंड ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इस वीडियो में मैं एक एक डिटेल्स डाल रहा हूँ। जो बाकी वीडियोस मेरे, जो पुराने वीडियोस मेरे थे वो आइदर 2020 के हैं या 2021 के हैं, तो उस टाइम और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, फिर हम लोग को इवन होटल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। खड़े होकर चलाने का भी अलग मज़ा है, जितना भी है ब्रेक लूँ तब भी आई थिंक 6 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। मैंने अभी थोड़ा सा ही ब्रेक लिया था, लंच ब्रेक तो अभी लिया नहीं है मैंने, अभी 10 ही बज रहे हैं, क्या लंच करूँगा, डायरेक्ट 12-1 बजे लखनऊ क्रॉस करके मैं भी रुकेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली लखनऊ तो पहुँच नहीं पाले, ज़्यादा टाइम और है नहीं, 77 किलोमीटर। देखो मैंने विंडशील्ड को अभी साफ़ किया था, फिर कीड़े चिपक गए वहाँ पे। लास्ट एक साल से 1.5 साल से तो मैंने कुछ सही से वीडियोस भी नहीं डाले हैं, पीपल आर स्टिल वॉचिंग माई वीडियोस, स्पेशली दिस दिल्ली टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू दिल्ली वीडियोस, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट जाने का, ये तो मुझे दिखता है। जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 1000 कर दो मेरा भी सब्सक्राइबर्स, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और भी जोश आएगा वीडियो बनाने का। अभी जैसे अभी घर जाने के लिए मैं शायद ट्रेन या फ्लाइट से भी जा सकता था, फिर भी आई चूज़ टू गो बाई बाइक बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गो बाई रोड एंड मेक सम व्लॉग्स, मेक सम वीडियोज़ एंड एन्जॉय द राइड।
सीरियसली बोलो मैं कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक। मुझे कोई थकावट नहीं है कुछ, लाइक आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू टेक रेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम रियली एंजॉयिंग द राइड एक्चुअली। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल गेट था, शायद ये लास्ट है, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि लखनऊ हम एंटर कर ही जाएंगे। बस 10 किलोमीटर दिखा रहा है लेफ्ट टर्न लेना है उसके बाद। हाँ, ख़त्म ही हो गया है एक्सप्रेसवे का मज़ा, ख़त्म हो गया। अब ये एग्ज़िट लेना है हमें लेफ्ट साइड में और लखनऊ, और फिर लखनऊ के बीच से हमें निकलना है। मैं लखनऊ क्रॉस कर चुका हूँ और अभी बाराबंकी बोल के जगह है उसके सामने हूँ, एंड इस ढाबा में रुका था फॉर लंच। लंच कर लिया, बाइक को भी थोड़ा आराम मिल गया पेड़ के छाव में। अब बस निकलते हैं, गोरखपुर इज़ अबाउट 240 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। 4 घंटे 21 मिनट दिखा रहे हैं, अब तो सोच रहा हूँ रुकूँगा नहीं। ऑल सेट फॉर टुडे इज़ लास्ट 239 किलोमीटर्स, इसके बाद डे वन एंड हो जाएगा, फिर हम कल से शुरू करेंगे नया ब्लॉग डे टू। सिद्धार्थ नगर आने वाला है, बस्ती आने वाली, बस्ती गोरखपुर इज 238 किलोमीटर्स वहाँ पे लिखा है, पर मेरे को दिखा रहा है 236, मतलब होटल मेरा अच्छा है 2 किलोमीटर पहले ही है। तो गाइज अयोध्या यहाँ से 43 किलोमीटर्स है, तो अभी तो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, जब बन जाएगी तब आएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी 170 किलोमीटर्स बाकी है, तब 240 था, मतलब मैंने 50 किलोमीटर तो चला, 60 किलोमीटर चला लिया। स्टॉप फॉर अनदर फ्यूल ब्रेक। सो फाइनली गोरखपुर पहुँच चुके हैं हम, सिटी के आउटस्कर्ट्स में। अभी थोड़ा फॉरेस्ट एरिया आएगा एंड उसके बाद एक आर्मी कैंप है, उसके बाद तो वी विल रीच। अब मैं जल्दी से होटल पहुँचता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। एक्चुअली आई जस्ट टुक बाथ, हैड अ कॉफी एंड सेटलिंग डाउन। बेसिकली थोड़ी देर बाद डिनर करके आई जस्ट स्लीप ऑफ बिकॉज आई एम टू डैम टायर्ड। मैं इतने दिनों बाद इतनी लंबी राइड की है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, टुमारो विल बी डे टू, गोरखपुर टू सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार। अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ कल कितना कर सकता हूँ, क्योंकि शोइंग अबाउट 18 आवर्स, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि कंप्लीट कर लूँ, अलीपुरद्वार ही पहुँचाऊँ।